ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एफएनओ एक्सपायरी स्ट्रैटेजी में। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बाजार के जानकारों से कि एक्सपायरी से ठीक पहले खरीदें या फिर बेचें क्या। मार्केट्स आज दबाव में है, अब दिन के निचले स्तर के बेहद करीब 9541 के लेवल पे निफ्टी कामकाज कर रहे हैं और स्ट्रांग बिकवाली आज के सत्र में बीपीसीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक, जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स भी एफएनओ में सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स साबित हो रहे हैं। इन सभी स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स एक्टिव हैं उसमें जेपी एसोसिएट्स शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा है इसको लगातार, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और वोखार्ड जैसे स्टॉक। वोखार्ड तगड़ा मोमेंटम में आ गया, 3% के आसपास की तेजी है। रिलायंस कम्युनिकेशन, एबी नोवो और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में भी तेजी बनती हुई नजर आई। हमारे साथ संजीव भसीन साहब सुबह जुड़े थे, आइए सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं कि वो मार्केट्स पे क्या अप्रोच रख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं उनके रडार पर। मार्केट इज ओवर प्राइसिंग एंड वॉन्ट्स टू टेक ऑन रिस्क एंड आई थिंक दैट इज आउट ऑफ प्लेस। तो हमारा यहाँ से व्यू है 9000 एंड बिलो बाय बिफोर 31st जुलाई शुड बी ऑन द कार्ड, नॉट विथस्टैंडिंग के ये एक एक्सपायरी है जो परसों है, वहां पे आपको दोनों साइड मार्केट मूवमेंट दिख सकता है। विद दिस जीएसटी, ये आपके 50% हेयर कट एंड सम ऑफ द फार्म लोन लेवर्स, ऑल दीज आर नेगेटिव इन द शॉर्ट टर्म। फार्मा में पांच टॉप पिक्स में सन, लूपिन, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, औरोबिंदो, ये पांचों में हमने एसआईपी कराया इन द लास्ट 4 वीक्स और हम कह रहे हैं अगले 16 वीक्स तक कीजिए। वर्स्ट ऑफ द प्राइसिंग एज फार एज जेनरिक प्राइसिंग में हैव बीन प्राइस्ड इन और हमें दिख रहा है कि वहां पे भी रिपब्लिकन्स आर नॉट गोइंग टू हैव देयर वे थ्रू, देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज जहां पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड जेनरिक्स विल ओनली गैदर पेस। मिड कैप आईटी में हमारा टॉपिक रहा है माइंडट्री ऑल द वे फ्रॉम 450, we reiterate a buy on that and we would again say that TCS closer to this 2250 2300 will give value. Baki IT may be a market performer to underperformer, agar rally rahegi, agar rally nahi rahegi, market ghategi to it will be a market performer. चंदन तापड़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से। चंदन शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, मार्केट्स को आज जो मार्केट्स 9500 के करीब है इसको कैसे देख रहे हैं, इस मूव को क्या अब हम 9500 के नीचे कारोबार करेंगे या फिर एक ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है? जी रजत, देखिए बाजार ने पिछले 2 दिनों में पूरा गेन खो दिया है। पिछले 20-21 दिनों के कंसोलिडेशन जो 9560 से लेकर 9700 के बीच था उस बैंड को नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे हिसाब से अब 9560-80 हर्डल का काम करेगा और धीरे धीरे ये सेलिंग है वो 9480-9450 तक मिल सकती है। पर ये आएगा कि थोड़ा सा बाउंस आता है, उस बाउंस में बिकवाले की सलाह रहेगी। 9580 हम हर्डल के रूप में मान रहे हैं, नीचे में 9480-9450 सपोर्ट के काम करते हुए नजर आए। अच्छा, तो ये बाउंस कौन से लेवल तक आए उसके बाद आप शॉर्ट ओपन करेंगे मार्केट्स पे? सर, सबसे 9530-40 के आसपास वापस इनिशिएट पोजीशन कर लेनी चाहिए। 9540-9530 आ जाए तो दोबारा शॉर्ट ओपन करें। 9480 टूटेगा क्या एक्सपायरी से पहले? जी सर, तो अब उसकी संभावना है डेटा के हिसाब से अभी तक नहीं लग रही है, बिकॉज 9500 की पुट में ओपोनेंट खड़ा है, बट वहाँ पे भी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाए तब मेरे हिसाब से वो सिचुएशन बनना हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हुई ना, अभी तक तो 9500 अभी तक उसकी संभावना कम लग रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि काफी दिनों बाद में वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 12.5 के ऊपर निकला है और 12.5 के ऊपर विक्स होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाजार में एक नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। तो विक्स का 9012.5 के ऊपर और 9500 की पुट में अनवाइंडिंग होती है तभी जाके नीचे के लेवल बाजार में खुलते हुए नजर आएंगे। अच्छा ठीक है, निफ्टी बैंक पे भी एक बार टारगेट्स बताएं। जी अरे, देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे थोड़े से प्रेशर देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी जो 23500 का जोन था उसको होल्ड नहीं कर पाया और उसके नीचे इमीडिएट सपोर्ट 23300 के आसपास चल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से जब तक इस लेवल के नीचे है यहाँ पे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है जो 23100 के आसपास ले जा सकती है। 23333 के नीचे बैंक निफ्टी को होल्ड करना एक नेगेटिव साइन रहेगा, उस कंडीशन में 200-220 पॉइंट की और डिक्लाइन हो सकती है और 23500 भी हर्डल का काम करेगा। सर, एक दो स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं वो बता दें फटाफट से, टारगेट स्टॉप लॉस एक्सपायरी से पहले जहां पर पेंडिंग रोल ओवर्स हों या फिर रोल ओवर्स शुरू हो गए हों। जी रजत, देखिए भारतीय एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे लगभग 22-23% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। यूजुअली स्टॉक काफी कम मूवमेंट देता है बट जब पूरे बाजार रहता है या नेगेटिव सेंटीमेंट रहता है तब सडनली इस काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट मर्ज हो जाती है। एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न के साथ लॉन्ग बिल्टअप भी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान दे रहे हैं, तो 368 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 382 तक के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। और दूसरा मेरा मानना है कि FMCG यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और इनफैक्ट बाजार की वीकनेस के बावजूद भी निफ्टी FMCG इंडेक्स है वो होल्ड कर रहा है और ITC यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने आप को होल्ड कर रहा है, लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है। आज के ट्रेडिंग सीजन में भी 6-7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 310 का सपोर्ट
होल्ड करना चाहिए और 325 तक अप मूव यहाँ पे बन सकते। चलिए शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। स्टॉक्स बता दूं आपको, ITC है जिसपे खरीदारी हो सकती है, और दूसरा है भारती एयरटेल। आज टेलीकॉम पैक जब बाजार गिरता है तो बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव देता है और वो हुआ आज। रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया, भारती में पोजीशंस बनी है तेजी की साइड की। भारती पे टारगेट है 382, स्टॉप लॉस 368 का लगाना होगा। गेल, BPCL और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस शो में आपको बताए गए, और इन तमाम स्टॉक्स पे निचले स्तरों से तेजी एक्सपेक्टेड है एक्सपायरी से ठीक पहले, यानी कि मात्र 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के पर्सपेक्टिव से आप गेल, BPCL और रिलायंस इंफ्रा, ये तमाम स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि इन तमाम स्ट्रैटेजी से आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट अपडेट। आप देखते रहिए जी बिजनेस।